में जो भी है सब अंदर से आया, जो भी है सब सच्चाई अंदर से आई। लोगों को लगता है कि मैं बोलूंगा और हेडलाइन बनेगी, या उनको लगता है आदमी बेबाकी से बोलता है तो इसको कुछ भी बोलो बुलवा देंगे। एक्टर्स जो ना कहीं आते हैं बॉडी बना के, कोई चेहरा बना के, कोई मैं ये स्टंट कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, जिंदगी नहीं जी होता। आपकी फिल्मों में ये बहुत होता है, मतलब आप बहुत लिखने पे जोर देते हैं कि इतना भी डिटेल लिख लो कि हीरोइन के दाएं पैर की तीसरी उंगली का जो नेल पेंट होगा वो कितना उखड़ा होगा। नहीं नहीं, वो लिखा नहीं जाता। आप जब ब्रीफ करते हैं तो वो ऐसे ही होता है, लेकिन आप ऑन द स्पॉट बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं। सर क्लाइमेक्स से ध्यान आया, मतलब कमाल की फिल्म है ये, इतनी देशभक्ति से भरी फिल्म है कि ये 15 अगस्त या 26 जनवरी को भी रिलीज हो सकती थी। और राष्ट्रवाद पे बहुत बात होती है, सबको राष्ट्र से प्यार करना चाहिए, और आपने बड़ा कमाल ढंग से प्यार किया, तो ये सब कुछ तयशुदा था कि अब आप भी नए सिरे से राष्ट्रवादी हो गए हैं? ये मतलब उसमें भारत माता की जय है और सब कुछ है फिल्म में, जो भी है सब अंदर से आया, जो भी है सब सच्चाई अंदर से आई। एक बात भाई, जैसे मैं आज आप दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, बहुत सारे लोग ऐसा लगता है जैसे अपने अपने घर से सलीब लेके आते हैं, कोई महोगनी की लकड़ी की बनी, कोई दखनी बबूरा की, और उनको लगता है अनुराग मिलेगा, 3 किले ठोकेंगे इसको, मसीहा बना, वो ईसा मसीह बना देंगे। तो कोई आपसे पद्मावती, मतलब मुझे तो लग रहा था कि थोड़े दिनों बाद जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की पिछली तमाम स्कीम रही है यूपीए, उस पर भी आपसे सवाल जवाब हो रहे थे बाकायदा, तो ऐसा क्यों हो गया? मतलब क्या लोगों को ये लगता है कि अनुराग सबके फटे में टांग रहता है, या ये लोगों को ये लगता है कि अनुराग बक्का है, कुछ भी बोल देगा हेडलाइन बन जाएगी, तो टीवी में ऐसे लाल पट्टी ब्रेकिंग न्यूज, वही दूसरी चीज़। लोगों को लगता है कि मैं बोलूंगा और हेडलाइन बनेगी, या उनको लगता है आदमी बेबाकी से बोलता है तो इसको कुछ भी बोलो बुलवा देंगे। हाँ, चलो जाता है। और कई लोग आते हैं अपना एजेंडा से भी, होती है चीज़ें अक्सर होती हैं। हाउ डू यू डील विद इट? मतलब आप तो एकदम वेटरन हो गए ना इस मामले में। मैं तो ही मुस्कुरा के, मतलब भाई क्यों कह रहे हो, तो क्या बोल रहा हूँ, मैं उनसे वापस सवाल कर, मैं जर्नलिस्ट बन जाता हूँ। अभी ये सब चीज़ें, मतलब मैं अभी थक चुका हूँ, थक चुका हूँ। मेरे को सब दिखने लगा है। अब भाई आप सवाल पूछे तो क्यों पूछ रहे हो, मतलब 5 मिनट बदल जाता है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हो। आपको वो भेजा गया है माइक लेकर कैमरा लेकर, तो इसलिए आप आए हो, और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ रहे हो। मैं तो इन जर्नलिस्ट से भी डील किया हूँ जो ऐसे बात करते हैं। अच्छा अनुराग जी, मुक्काबाज सबसे पहले राज चौधरी ने गुलाल लिखी है, उसने ब्लैक नो स्मोकिंग और ब्लैक फ्राइडे में भी आपके साथ काम किया था, राइटिंग पार्ट में नहीं, राइटिंग नहीं किया था। विकिपीडिया झूठ बोलता है, हाँ क्योंकि विकिपीडिया में ऐसा no लिख दिया गया, किया था नो स्मोकिंग में किया था। तो राज ने गुलाल लिखी और आपने उसको दलीप का किरदार दिया। अभय ने देवडी का पहला ड्राफ्ट लिखा, आइडिया जर्मिनेट किया और उस पर आपने काम किया और उसको रोल मिल गया। जीशान ने वासेपुर का पहला ड्राफ्ट सुनाया, पहला आइडिया सुनाया, मिल गया। और कल्कि ने येलो बूट्स और विनीत ने मुक्काबाज। तो अभी सब लोग बोलने लगे अनुराग के साथ काम करना है अगर तो सिर्फ एक्टिंग स्किल्स का दुरुस्त होना ठीक, और फिर जोया का भी उदाहरण है, लेकिन वो खुद उसी में एक्टिंग करेंगे। नहीं नहीं, जोया का तो ये उदाहरण है कि लोग अनुराग कश्यप के पास जाते हैं कि भैया हम एक्टर हैं, हमको अपनी फिल्म में ले लो। जोया अनुराग कश्यप के पास गई कि मैं राइटर और डायरेक्टर हूं, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे? ऐसे था ना? तो ये क्या है, ये मतलब बहुत सारे मिथ क्यों बन जाते हैं? मिथ नहीं है, जो आदमी लिखता है, जो आदमी सिर्फ जो अपने चेहरे के बियॉन्ड जिसका कोई वैल्यू होता है ना जिंदगी में। एक्टर्स जो ना कहीं आते हैं बॉडी बना के, कोई चेहरा बना के, कोई मैं ये स्टंट कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, जिंदगी नहीं जी होता। जो आदमी लिखता है ना, उसकी राइटिंग में डेप्थ होता है ना, एक्चुअली जिंदगी दिखती है। हाँ, आई थिंक जब आप एक क्रिएटिव पर्सन होते हो, आपकी वायरिंग वैसे होती है, तो चाहे वो एक्ट करके हो या लिख के हो या गा के हो या पेंट करके हो, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन सम वे। आपके अंदर वो होता है कि मैं अंदर से कुछ निकाल दूं, अदरवाइज यू फील रेस्टलेस। तो एंड स्पेशली अगर आसान होता है उनको, हाँ उनको समझाना आसान होता है, उनके अंदर से चीजें निकालना आसान होता है, उनको वो पर्सपेक्टिव मिलता है ज्यादा अच्छा। जिनके पैर न पड़े बेवाई बेका जाने पीर पर आई।
जोया में बहुत गुस्सा है। हाँ जोया मतलब वो मैं इनकी कुछ इंटरव्यू पढ़ रहा था कि ये ज्वालम आपने इनको डांटा, इन्होंने आपको डांटा, ये रोई आप रोए, क्या था? मैंने इनको डांटा, ये मेरे पर चढ़ गई, फिर मैं रोया, फिर ये नहीं, ये जबरदस्ती ने बोला होगा, मतलब क्या आप तो वचन मतलब आकाशवाणी थोड़ी हुई थी। नहीं एक्चुअली ऐसी काफी चीजें हैं जो मैंने नहीं कही हैं लेकिन वो अभी छप गई हैं। तो आपने ऐसा क्या बोल दिया इस निर्मोही आदमी को ये रोने लगा? या इन यही आपको बताएंगे। भाई सब क्यों रोए थे? आप ऐसे नहीं रोए थे? आप बोल रहे हो कि इसने मुझे अस्तित्व पे सवाल उठा दिया था इसने कि आप फिल्म क्यों बना रहे हो, आपका इंटेंशन कैसा है, क्या दिख नहीं रहा है पिक्चर में कुछ, आप मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। तो आपने ड्रामा बिगाड़ दिया है। नहीं मैं तो एकदम सोचा क्या लपेटे में लेने के लिए। नहीं 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 ऐसा मैं अपने आप से सवाल करने लगा, मैं स्क्रिप्ट पे बैठा वापस। कुछ चेंज किया बैठने के बाद कि बहुत सी चीजें निकली हैं उसमें से। कहानी बड़ी लंबी है, वो कहानी हम कभी बस पे रिट्रोस्पेक्ट में जाएंगे जब आज से 10 साल के बाद, तब मैं बोलूंगा। वो मैं बोलूंगा, ये तो बीच में थे। मैं आज बता रहा हूँ, ये वीरियन का बच्चा है, कई हाथों में पला है वो। लेकिन वो 20-25 साल के बाद जब हम बोल के हंस सकें। मुक्काबाज एक म्यूजिकल भी है, इसलिए मेरा लास्ट सवाल फिल्म के म्यूज़िक के बारे में है। आपने गाने भी लिखे हैं, दिल्ली की रचिता हैं, उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया और वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप लोगों को तो पता ही होगी, अनुराग आप एक बार बता दीजिए जल्दी से, रचिता को, रचिता आपको कैसे मिली? और मेरी गाड़ी के बगल में खड़ी हुई थी, मैं एक बार जा रहा था ऑफिस, नीचे आया, रचिता खड़ी थी गाड़ी के बगल में। मुझे याद है उसके पहले मकरंद का एक बार फ़ोन आया था, एक लड़की है अच्छा म्यूज़िक करती है, उसे मिल लेना मैं भेज दूँगा। तो मैंने पूछा कौन है क्या है, बोलते नहीं सर मैं रचिता हूँ, मकरन सर ने बोला था आपसे मिलने को, मैं आ खड़ी हूँ। हाँ तो मैंने कहा अच्छा क्या करना आपको, मैं गाती हूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे साथ अगर समय है तो मेरे साथ ऑफिस चलिए, मैं रास्ते में गाना सुन लूँगा। तो बैठ गई गाड़ी में, तो मैंने गाना सुना, गाना बड़ा ही अच्छा था, क्या गाया हुआ था और क्या कंपोज किया हुआ था। मैंने कहा कंपोज किया तो कमाल का, आपने गाया? हाँ ये कंपोज किसने किया? सर मैंने ही किया। मैंने कहा अच्छा, मैं उनको ऑफिस लेके गया, ऑफिस लेके गया, वो उनको सुनने आया। मैंने कहा ये अंदर आइए बैठिए। हाँ मैं उनको सुनील जोगी की कविता सुनाई, मैं कैसी लगी? तो उन्होंने कहा सर इंटरेस्टिंग है, बड़ी अच्छी है, इसका गाना बना सकते हो? क्या मैंने कहा आपने कंपोज किया तो इसका गाना बनाओ। तो सर लेकिन मैंने कहा नहीं आप इनका गाना बनाइए, मैं चाहता हूँ आप मेरी फिल्म का म्यूज़िक करें, लेकिन मैं गाना बना के आपसे सुनना चाहता हूँ। तो सर मैं म्यूज़िक करूँ? तो ऐसा था वो। उसके बाद मैंने कहा हाँ, फिर वो गई और उसने बनाया, वो मुश्किल है अपना मेल प्रिय, तो मैंने साइन कर लिया उसको। अच्छा तो सुनील जोगी आपके अच्छे दोस्त, उनका गाना है, फैन हूँ, आप उनके फैन हैं। और फिर हुसैन हैदरी आ गए, विनीत, विनीत ने ये गाने सुनवाए थे आपको ये दोनों? कौन से? खास तौर पे वो अधूरा मैं, नहीं वो एक ही साथ आया था 75 में जब काम कर रहे थे, उन्होंने अपने मुझे सुनाया गा के, खुद गा के सुनाया विनीत ने।